एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी। चलिए चलते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज। जी हाँ, बिग बॉस OTT सीजन 3, जिसमें जो सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट यानी कि सबसे ज़्यादा फनी कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, घर की मतलब हम कह सकते हैं, लोग जैसे उसको कहते थे न्यूज़ अखबार, खबरी लाल, जी हाँ, शिवानी कुमारी, जो कि कल एविक्ट हो चुकी हैं। एंड दिस वन इज रियली सैड न्यूज फॉर ऑल द शिवानी कुमारी फैंस। एंड यार, बुरा इसलिए लगता है शिवानी कुमारी के लिए क्योंकि उस बंदी ने बहुत 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 मेहनत की थी। कहाँ से वो आई है, उसके फादर नहीं थे, दे आर लॉट्स ऑफ थिंग। एंड अगर फुल ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ कंटेस्टेंट बिग बॉस सीजन 3 का अगर हम बोले तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवानी कुमारी थी, जो सभी को हंसाती थी, गुदगुदाती थी और कुछ ना कुछ ऐसी अपनी हरकतों से सबके चेहरे पे स्माइल ला देती थी। सो ये कहीं ना कहीं बिग बॉस का गेम है, मेकर्स का गेम है कि किस तरह से प्यारे से ग्रुप को तोड़ दिया जाए। और आई डोंट नो, इवन शिवानी कुमारी टॉप 5 में तो पहुंचनी चाहिए थी, फाइनल में तो पहुंचनी चाहिए थी भाई। एंड अब जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 3 लोगों का नॉमिनेशन हुआ था शिवानी, विशाल, लव केस। तो शिवानी एविक्ट हो चुकी है एंड विशाल एंड लव कटारिया में से देखते हैं कि नेक्स्ट कौन है जो एविक्ट होने वाला है। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बिग बॉस की इसमें भी कुछ ना कुछ बिग बॉस के मेकर्स की चाल होगी। एंड अनिल कपूर को इवन और बिग बॉस मेकर्स को शिवानी कुमारी को तो सेफ रखना था, इवन उसको फाइनल तक तो पहुंचने देते, फाइनल नहीं तो टॉप 5 तक तो पहुंचने देना था। सो आपको इस बारे में क्या ख्याल है शिवानी कुमारी के एविक्शन में, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत ज़्यादा मतलब शिवानी के फैंस हैं एंड जब तीनों का नॉमिनेशन हुआ, वोटिंग की बात हुई, तो शिवानी थोड़ा सा तीसरे नंबर पर थी एंड सभी लोगों ने बहुत हार्डवर्क किया, मेहनत की, डेडिकेशन के साथ शिवानी कुमारी को वोट किया। लेकिन अब क्या कर सकते, बिग बॉस के मेकर्स के सामने वी कांट डू एनीथिंग। तो डेफिनेटली अपने रिव्यूज दीजिएगा, व्यूज बताइएगा शिवानी कुमारी के लिए। और साथ ही साथ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।